तो ये कहानी है मेरे बचपन में जो पिताजी ने अपने बचपन की सुनाई थी। तो बेसिकली अपने बचपन में मेरे पापा गांव में रहते थे, और जो हमारा गांव है यूपी का कोई सा भी गांव ले लो, उस टाइम तो सारे गांव काफ़ी पिछड़े हुए थे। एक रेलवे स्टेशन था, वहां पे भी ट्रेन रुकती थी 2 मिनट के लिए, वो भी सारी नहीं। तो उस टाइम क्या होता था कि मोस्टली लोग जो है काम करने के लिए बाहर जाते थे, या तो आर्मी वगैरह में थे। तो ये एक कहानी ऐसे एक आर्मी सोल्जर की है, उनकी छुट्टी हुई तो वो गांव को आए। तो उन्होंने जो ट्रेन में रिजर्वेशन कराया था, बेसिकली वो 11 बजे के करीब पहुंचती थी। हाँ, बट अब जैसे कि है तो रेलवे ही, इंडियन रेलवेज, तो 11 बजे तो पहुंची नहीं, और 3 बजे पहुंची। तो 3 बजे जब पहुंची तो कोई साधन तो है नहीं घर आने के लिए। तो उस वक्त क्या होता था, एक तो था सीधा रास्ता जो कि मेन रोड था, वो आता था आपको घूम के, और एक अंदर ही अंदर बगीचों के बीच से रास्ता था जो सीधे गांव आ जाता था। तो उसमें फिर इन्होंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, 3 बज ही गए हैं, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, इस वाले रास्ते से निकल लेता हूँ। तो ट्रेन से उतरते ही वो चल पड़े। तो रास्ते में आते हुए एक बगीचा आया। तो जब वो बगीचे में आए तो देखते हैं कि दिन फूट चुका है, मतलब सुबह हो गई है। तो वो कहे चलो ठीक है, अब तो सुबह हो गई है तो फिर इजीली घर जाते हैं। तो जब वो चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग वही जैसे शौच के लिए निकले हुए हैं, कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब सुबह के 3 बजे और इतने लोग हैं, मतलब अच्छी बात है। फिर वो चलने लगे, बट उनको थोड़ा सा सस्पिशियस लगा कि हर कोई उनकी तरफ देख रहा था, मतलब हर कोई उनको देख रहा था। और जब वो आगे बढ़े तो उनको लगा कुछ बच्चे उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, फिर कुछ लोग भी उनको ज्वाइन करने लग गए, तो उनको थोड़ा सा अजीब लगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो उनको एक पहचान के अपने चाचा जी दिख गए, तो उन्होंने उनको बुलाया, और फिर वो लोग बात करते करते गांव की तरफ चलने लगे। तो जब गांव आने लगा तो गांव के पास पहुंच के चाचा जी ने कहा कि अच्छी बात है कि तुम घर आए हो, मगर थोड़ा समय देख के आया करो, क्योंकि चलो इस बार तो मैं था, अगली बार कोई भी मिल सकता है। ये बोल के फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो मेरे को काम है, मैं जाता हूँ, तुम घर जाओ सो जाओ। फिर जब वो घर पहुँचे तो देखे फिर अंधेरा हो गया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी सबको क्या ही जगह ना, सो जाता हूँ, सुबह उठ के बात करेंगे। तो सुबह उठे, फिर वो अपने पिताजी के साथ ऐसे खेत में गए, तो वही गांव की बातें हो रही थी कि अच्छा ये गांव में ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा मेरे को वो चाचा जी मिले थे। तो उनके पापा ने पूछा कौन से चाचा जी, तो उन्होंने कहा अरे वही जो इस घर में रहते हैं। तो उन्होंने पिताजी ने बोला क्या, उनको मरे तो 3 साल हो गए हैं।